अरे यार कहाँ गई भाई। नीचे गई रहो का? आंटी के पास नीचे। क्या हो? ये क्या लियो? पैन कार्ड ला? ये कह रही है आंटी की ये लिंक हुई रहे आधार से पैन कार्ड। अच्छा, अगर लिंक नहीं तो फिर कह रही है 1000 रुपया पड़ी है। अच्छा बैठो, पहले इधर बैठो, ये तो बता रहे हम, का हो ही रहा बता रहे अभी। तो क्या करी नीचे आंटी? यही कह रही कि आधार से पैन कार्ड अगर लिंक नहीं करी हो तो बंद हो जाइए ये खाता। अच्छा, अगर आप पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा। अच्छा, पैसा नहीं निकाल पाएगी। अच्छा, अकाउंट यानी कि पैन कार्ड तो अकाउंट में भी लगा हुआ है ना? अकाउंट भी लगा है तो अगर पैन कार्ड बंद हो जाएगा तो आपका अकाउंट भी बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बताया है। तो क्या करना जाएगा? तो ये लिंक होगा पूरा, हम बताएंगे इसका प्रोसेस सारा बताने वाले हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा सारा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। आखिर पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक कराएंगे, तो सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले ये बता दो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से 31 मार्च 2023 से पहले अगर आप पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट पर आपको एक नोटिस मिल जाएगा जिसमें से आप देख सकते हैं आपका 3 महीने का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया, यानी 3 महीना आपका बढ़ा दिया गया, जो कि लास्ट डेट कर दी गई है 30 जून, यानी 30 जून के पहले आपका पैन कार्ड है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, नहीं तो आपको आपका जो पैन कार्ड है वो बंद कर दिया जाएगा। पैन कार्ड आपका बंद हो जाएगा तो आपके लिए काफ़ी समस्याएं भी पैदा हो जाएंगी, जिसमें से आपका इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं तो उसमें भी आपका पेनल्टी लग जाएगा। उसके बाद आपका जो जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें भी आपका पैन कार्ड लगा हुआ है, पैन कार्ड अगर बंद हो जाएगा तो बैंक अकाउंट में भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम आपके लिए भविष्य में ना पैदा हो, इसलिए आप जो है आज ही अपना पैन कार्ड अपना आधार से लिंक करा लीजिए। और दोस्तों अगर आपका पैन कार्ड, कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा जो है आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं लिंक है, तो आज की वीडियो में हम सारा डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तो पूरा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो कैसे लिंक करेंगे, अगर लिंक है तो आपके 1000 रुपये भी बच जाएंगे दोस्तों, अगर लिंक नहीं है तो आपको दोस्तों 1000 रुपये का पे करना पड़ेगा। 30 जून कर दिया है दोस्तों, आप फिर से देखिए काफ़ी वीडियो आपको मिलेंगे कि 1 तारीख यानी कि 31 मार्च 2023 तक आपको लिंक करने के लिए बोला गया है, तो आप दोस्तों एक्सटेंड कर दिया गया है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि इनकम टैक्स के ऑफिशियल साइट पर आपको एक नोटिस मिल जाएगी जिसमें आपको 3 महीने का टाइम मिल गया है। लेकिन आप ये बिल्कुल भी ना सोचिए कि 3 महीने का टाइम मिल गया तो आप टाल दो, ये आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर आपका लिंक नहीं है तो आप लिंक जरूर करा लीजिएगा, और अगर लाइन लिंक है तो आपको 1000 रुपये आपका पे बच जाएगा। तो आपका क्या पैन कार्ड नहीं लिंक है क्या? तो चेक भी हो जाएगा इनकम टैक्स साइट पर चेक करने के लिए दिया, अगर पैन कार्ड अगर आपका लिंक है और एक्टिव है कि डीएक्टिवेट है, सारी लिंक दी हुई है इनकम टैक्स के ऑफिशियल साइट पर। फिर आपका पैन कार्ड आधार से कैसे लिंक होगा ये भी हम आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताने वाले हैं। ये सोचेंगे कि अरे सब फर्जी बता रहे हैं, वो बेकार वीडियो है, वो सब फर्जी बता रहे हैं, आपका 1000 रुपये कोई चार्ज वार्ज कुछ नहीं लगेगा, तो अगर आप ये ऐसा सोच रहे हैं ना तो बहुत ही गलत सोच। चलिए शुरू करते हैं, पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं। सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन करके अपना टाइप करेंगे ई फिलिंग। आप जैसे ही टाइप करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। ई फिलिंग पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस लिख कर आएगा। ई फिलिंग में इनकम टैक्स पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपना डेस्कटॉप मोड पे इसको सेट कर लेंगे। डेस्कटॉप मोड पे मेरा लगा है, अगर आपका नहीं लगा है तो लगा लीजिएगा। उसके बाद आप बैक पे क्लिक करेंगे, ये इस पेज पे खुलने के बाद आप बैक पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें से आपको चेक करना है सबसे पहले आपको कि आपका सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। पहले आप देख लीजिए कि आपका आधार जो है लिंक है कि नहीं है। पहले आप स्टेटस चेक कर सकते हैं यहाँ पर, लिंक आधार स्टेटस, तो पहले अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आप यही काम करिएगा, तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई दे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना स्टेटस चेक कर लेना है कि आपका आधार कार्ड
आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं पैन कार्ड का ऑप्शन से अपना पैन कार्ड डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर पैन कार्ड डालते ही आपको यहाँ पर वैलिडेट का व्यू लिंक आधार स्टेटस यानी आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड से आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो आपको नहीं करना है, अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। तो आगे दोस्तों बता दूं आपको फिर आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको बैक पे क्लिक करेंगे, बैक आते ही आपको फिर से होम पेज पे आप आ जाएंगे। वो तो आपने स्टेटस चेक कर लिया, इसी में आप नीचे स्क्रॉल करके आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, ये ऑप्शन मिलेगा आपको वेरीफाई योर पैन कार्ड, यानी कि आपका पैन कार्ड डिस यानी कि आपका पैन कार्ड जो बंद तो नहीं हो गया, चालू हालत में है कि नहीं है। इस लिंक पे आप क्लिक करते ही आपको ये पता हो जाएगा। तो कैसे क्या करना है दोस्तों बता रहा हूँ मैं, इस लिंक पे क्लिक करेंगे वेरीफाई योर पैन, तो इसे लोडिंग हो रही है, ओपन होते ही आपको क्या डाल करना है इसमें दिखाता हूँ भी मैं दोस्तों, थोड़ा सा वेट करिएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका वेरीफाई और पैन यहाँ पर अपना वेरीफाई कर सकते हैं, जैसा कि आपका पैन कार्ड चालू हालत में है या बंद हालत में है, जो भी होगा यहाँ पर आपका पैन वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको पैन नंबर डालना है, आपको पैन नंबर डालने के बाद आपको अपना फुल नेम जो भी पैन कार्ड में आपका नाम है पूरा है उसको डालना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और मोबाइल नंबर आपका जो रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर डायल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका जो पैन कार्ड वेरीफाई है कि नहीं है कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा आपको, मैं दिखा दूं। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर पैन इज एक्टिव एंड डिटेल आर एज पैन, यानी कि आपका जो पैन कार्ड है वो एक्टिव है, डीएक्टिवेट नहीं है, तो ये चीज आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आगे मैं दोस्तों बता दूं अब आपको कि कैसे आपको पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना है, तो वो भी आपको वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सो फ्रेंड्स इन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद अब अगर आपका पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे लिंक आधार, यानी कि आपको पैन कार्ड से लिंक आधार करना है, तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिंक आधार यानी कि आपका जो पैन कार्ड है आधार कार्ड से लिंक करने के लिए क्या क्या यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या रूल है, क्या क्या रूल है कि आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, और ये तो आपको देने ही पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी नहीं देंगे तो बाद में आपको करना ही पड़ेगा। और किनको नहीं करना है ये सारी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दे रखी है, ये भी कर सकते हैं आप। तो लिंक कैसे करना है, अपने यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है, अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है, जो पेमेंट डिटेल आएगी उसको आपको फिल करके आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, और यही ऐसे ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक की जय हिंद, वंदे मातरम।